आज हम बनाएंगे चिकन चाप। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक बॉल में मैंने लिया है चिकन 4 पीसेस। अब चिकन के ऊपर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, जायफल जैत्री पाउडर, नमक स्वाद के मुताबिक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, खट्टा दही और पेस्ट किया हुआ प्याज। इसको थोड़ा सा हम मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चीनी, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट। अब सारा मसालों को चिकन के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। चिकन मैरिनेट होने के बाद हम चिकन को 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। हम एक कढ़ाई में डालेंगे सरसों के तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। कुछ देर बाद चिकन को हम पलट देंगे। चिकन पलटने के टाइम अगर नीचे से थोड़ा सा लग जाए तो कोई बात नहीं, चिकन के साथ मसाला मिला हुआ है तो फिर थोड़ा सा लग सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है तो फिर हम बोथ साइड से शैलो फ्राई करेंगे। चिकन पलटने के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। कुछ देर बाद ढक्कन हटा देंगे और चिकन को और एक बार पलट देंगे। देखिए हमारा चिकन बोथ साइड से शैलो फ्राई हो गया है। तो अब चिकन को एक प्लेट में हम शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैरिनेट किया हुआ मसालों को हम डाल देंगे। और मसालों को बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसालों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें से तेल छूटने ना लगे। देखिए हमारा मसाला फ्राई हो गया है। तो अब कढ़ाई में डालेंगे काजू पेस्ट और खसखस पेस्ट। काजू और खसखस को बहुत अच्छे से हम मसाला के साथ मिला लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, काजू पेस्ट डालने के बाद आपको कंटिन्यू स्पून चलाना पड़ेगा वरना नीचे से जल सकता है। देखिए हमारा काजू पेस्ट भी फ्राई हो गया है। फिर अब हम इसमें डालेंगे रोज वाटर, केवरा वाटर, एक ड्रॉप मीठा अदर। फिर हम इसमें डालेंगे सोक्ड किया हुआ सैफ्रॉन। सैफ्रॉन को मैंने नॉर्मल पानी में 15 मिनट पहले भिगो के रखे हैं। अब सारा मसालों को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। देखिए मसाला फ्राई हो गया है और मसाला से तेल भी छूटने लगे हैं। हमने काजू का इस्तेमाल किया है तो नीचे से जल रहा है, तो एक काम कीजिए थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। पानी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे और पानी में उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। देखिए पानी में उबल आ चुका है। तो फिर अब हम कढ़ाई में डालेंगे फ्राइड किया हुआ चिकन। सारा चिकन डालने के बाद चिकन को पलट देंगे। हम चिकन को मसाला के साथ मिला लेंगे और ध्यान रखें चूल्हा का आंच हमेशा मीडियम रखना है, ना ही तो ज्यादा और ना ही तो कम। फिर कढ़ाई का हम ढक्कन लगा देंगे। कुछ देर बाद कढ़ाई का ढक्कन हम हटा देंगे। अब देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल ऊपर भी आ चुका है। चिकन चाप होने के लिए लगभग 30 मिनट्स लगता है, तो 30 मिनट्स में एक चिकन बहुत अच्छे से पक भी जाता है और मसाला फ्राई भी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखें, फ्लेम हमेशा मीडियम में रखना है और बीच बीच में चलाना पड़ेगा वरना नीचे से जल सकता है। देखिए हमारा चिकन चाप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब चिकन को एक प्लेट में हम उठा लेंगे। तो अब
चिकन चाप को अब पराठा, रोटी, बिरयानी, फ्राइड राइस, चावल किसी के साथ भी सर्व करें और घर पे जरूर बनाएं। और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें बताइए आपके घर पे कैसे बने हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।